तांडव रचिला तांडव। वेब सीरीज रे हिंदू विरोधी आचरण को नहीं सामाजिक गणमाध्यम रे तीव्र प्रतिक्रिया। सीरीज निर्माता विरोध में तेजिला स्वर। वेब सीरीज ना रे धर्म को कलुषित कर अपचेष्टा। जानिशुनी हिंदू भावना को आघात कर अभियोग। बॉयकॉट अमेज़न प्राइम सपक्ष में सोशल मीडिया रे अभियान। सूचना मंत्रालय तरफ अमेज़न प्राइम को नोटिस। अमेज़न प्राइम द्वारा निर्मित वेब सीरीज तांडव रिलीज होगा पर देश में सृष्टि बिवाद यार किसी दृश्य आपत्तिजनक सामाजिक गणमाध्यम समालोचना करा। सीरीज़र स्टोरी लाइन राजनैतिक होता बेले एक विशेष दृश्य रे हिंदू भगवान शिवंक चरित्र खराब भाषा प्रयोग करुथिबार देखा जाइछि। एहा सहित सीरीज़र प्रारंभ रे हिंदू देवतांकु विद्रूप करि देखा जाइथिबार अभियोग करा जाइछि। तेबे एहार अभिनेता जिसान आयुबक विरोध रे आगरु मध्य एपरि अनेक अभियोग रहिछि। सीरीज रे सैफ अली खान डिंपल कपाड़िया पर अनेक प्रमुख कलाकार मध्य तेबे सीरीज विरुद्ध रे एपरी अभियोग आसीबा परे सीरीज रा प्रयोजक और अभिनेता सैफ अली खान मध्य जनता आक्रोश रो शिकार होती। वर्तमान अमेज़न प्राइम को बॉयकॉट करने बीजेपी तरफ विवृति दि जा समूचे देश की और विश्व भर के हिंदू समाज की माफी नहीं मांगते तब तक कोई भी देशवासी और विश्व भर के तमाम हिंदू भाई अमेज़न का प्रोडक्ट न खरीदें, अमेज़न प्राइम वीडियो का ऐप डिलीट कर दें ताकि इनको सबक मिले किसी भी धर्म की आस्था और श्रद्धा के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। अमेज़न को माफ़ी मांगनी होगी और अमेज़न के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होगी। यहां देशर हिंदू मानकर भावना को तीव्र आघात देतिबारु एही वेब सीरीज रो प्रसारण पूरा पूरी बंद करने को विभिन्न माहौल रे आह्वान करा जाउची। केवल सेतिकि नुए एहाकु गुरुत्वर सह नै केंद्र सूचना मंत्रालय तरफ रु नोटिस जारी करा जाइछि। सिनेमा रे हिंदू भावना को अपमानित करबा पई प्रयोजक और अभिनेता अभिनेत्री मानक नाम रे रहि आसीछि अभिजोग। निज को विवाद को आनी जनता नजर को आसीबा एमानंकर एजेंडा रही आसी। हिंदू धर्म को अपमानित करने अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रे अर्थ लगाणकारी हाथ में क्रीड़नक साजी एक अभिनेता अभिनेत्री माने देश और धर्म विरोध में जीवार अभियोग रही। पूर्वरु अमीर खान को फिल्म पीके रे मध्य हिंदू धर्मपति विद्रूपता को नहीं विवाद देखा देथिला। निकटरे आउ एक वेब सीरीज सैक्रेड गेम रे मध्य एपरी किछि हिंदू भावना विरोधी विचार थिबार अभियोग करा जाइथिला। ब्यूरो रिपोर्ट अगस्त न्यूज़।